खबर मंदसौर से। मंदसौर जिले की रहने वाली फिरदौस पति मोहम्मद रफीक की उम्र 36 साल है। यह मंदसौर तहसील के गांव खिलचीपुरा की रहने वाली है। इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई पूर्ण कर रखी है। इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। ये पहले मजदूरी का कार्य करती थी। इनके पति भी मजदूरी का कार्य करते थे। इस तरह ये दोनों मजदूरी के कार्य में लगकर अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन इनके घर का खर्चा पूरा नहीं चल पाता था। इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही प्रतिदिन भी मजदूरी नहीं मिल पाती थी, जिससे परेशानी होती थी। फिरदौस को संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से ग्राम खिलचीपुरा में वस्त्र बुनकर के कार्य के बारे में पता चला और ये वस्त्र बुनकर का कार्य करने लगी, जिससे इन्हें प्रतिदिन 200 रुपए की मजदूरी मिल जाया करती थी। इससे इनके गांव में ही रोजगार मिल गया। कोविड 19 महामारी के प्रकोप के चलते बुनकरों के बनाए गए वस्त्र की मजदूरी में 25% की वृद्धि सरकार द्वारा की गई, जिससे फिरदौस को अब प्रतिदिन 300 से 350 रुपए तक की मजदूरी मिल जाती है। फिरदौस मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देती है कि उन्होंने बुनकर कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी में 25% की वृद्धि की। अब वह अपने आसपास की महिलाओं को वस्त्र बुनकर के कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। मंदसौर से संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।